सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। ये जो आपका पेपर होता है, पांचवा पेपर होता है, 50 नंबर का होता है, जिसमें से 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम राजन सीरीज के लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये क्लास 1 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो दोपहर के 12 बजे होती है, बट थोड़ा टाइमिंग इधर उधर हो जाता है, बट कोई नहीं, ठीक है। बस आपको जो अपना प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से करना है। नेक्स्ट जो क्लासेस आएगी वो हिंदी की रहेगी, ठीक है। उसमें भी हम राजन सीरीज, यानी अगर हम कहें तो राजन सीरीज के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, अब हम स्टार्ट कर देंगे, ताकि जो आपकी तैयारी है बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। क्योंकि जो टाइमिंग है, अगर हम कहें तो अगर अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर एग्ज़ाम होता है तो टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए आप जो अपना तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जुड़ सके और जो अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सके। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न है कि लोकसभा के चार कार्य लिखिए, यानी जो लोकसभा होते हैं उनके प्रमुख चार वर्ग कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आप सभी को हम बता दें कि चार वर्ग जिसमें लोकसभा कानून बनाती है, मंत्रिपरिषद के जो काम होते हैं, ठीक है, उस पर नियंत्रण भी रखती है, और जो कानून बनता है उसमें संशोधन भी कर सकती है, और जनता पर जो टैक्स लगता है, ठीक है, कर लगाने और व्यय करने का निर्णय भी कौन लेता है, तो लोकसभा ही करता है। तो ये लोकसभा के चार कार्य हो गए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में या फिर इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि लोकसभा के चार कार्य कौन कौन से हैं। तो पहला कानून बनाना, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हो कि जो भी कानून बनता है उसमें वो संशोधन, यानी अगर उसमें कुछ कमी या अच्छाई और लाना चाहती है तो उसको सही ढंग से कर सकती है, और जो भी मंत्रिपरिषद के जो भी वर्क होते हैं उस पर नियंत्रण भी करती है, और जो कानून होता है या अगर हम कहें तो जनता पर जो टैक्स यानी जो कर लगता है, जो व्यय, ये जो कुछ भी होता है ये लोकसभा के द्वारा ही लगाया जाता है। तो ये लोकसभा के चार कार्य हो गए। दूसरा प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक है, यानी यहाँ पर देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, तो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है, आई होप कि आपको पता होगा। और उच्च न्यायालय कहाँ है, तो प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी योग्यता होनी चाहिए, बीटीसी 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। यानी अगर देखिए कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना है एसपी का, तो उसके लिए उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है, ठीक है। और उसकी जो एज लिमिट होनी चाहिए, यानी अगर हम कहें जो उसकी एज होनी चाहिए वो 62 ईयर्स की होनी चाहिए, उससे अधिक ना हो, ठीक है। यानी अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, ठीक है, और उसकी एज 63 हो गया, 64 हो गया, 65 हो गया, तब फिर वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बन सकता है। इसलिए उसकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 62 वर्ष की होनी चाहिए, क्लियर। एंड उसके बाद देखिए थर्ड, तीसरा इसमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कि वह भारतवर्ष के किसी भी न्यायालय में, ठीक है, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर संभाल चुका हो, या भारत के किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष लगातार वकील रह चुका हो, अथवा कानून का महान ज्ञाता हो, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, यानी सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर कोई व्यक्ति उसमें न्यायाधीश बनना चाहता है, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पहला यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा ये कि उसकी जो एज होनी चाहिए वो 62 होनी चाहिए, यानी 64 का अगर होगा तो वो फिर यानी 62 के ऊपर नहीं होना चाहिए, तीसरी ये कि वो जो हो कि किसी भी भारत के किसी भी
न्यायालय में या हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक लगातार वकील बना हो, ठीक है, और उसको कानून से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसके बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न याद भी हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद देखिए तीसरा जो प्रश्न है कि हरित क्रांति का क्या अर्थ है और उनकी प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं, ये भी जो प्रश्न है ये BTC 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो हरित क्रांति का क्या अर्थ है, उसकी प्रमुख बातें कौन कौन सी है, आइए इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। हरित क्रांति आप सभी को पता है यह कृषि से संबंधित है, ठीक है, और हरित क्रांति के माध्यम से वर्ष 1966 से 1967 में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। सो फ्रेंड्स, ये लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ष 1966 से 1967 में प्रश्न ऐसा आ सकता है कि हरित क्रांति के माध्यम से किस वर्ष में जो कृषि का डेवलप यानी सबसे ज़्यादा विकास किस क्षेत्र में या कब हुआ, क्रांतिकारी परिवर्तन कब हुआ, तो 1966 से 1967 के बीच में हुआ था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य था अच्छे बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा, यानी जो भी इस टाइम देख आप आपको पता भी होगा कि पहले क्या होता था कि इतनी ज़्यादा मतलब आधुनिक यंत्र नहीं थे या माध्यम नहीं था। पहले आपको पता है जब खेत को मतलब उसको जब कृषि क्या करता था, बैलों के माध्यम से खेतों को जो भी अगर हम कहें तो उसको जुताई अगर हम कहें तो होता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है ट्रैक्टर के माध्यम से। तो इसलिए यहाँ पर यही कह रहा है कि आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि के उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना, इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है, ठीक है। और इसका कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो आप बता सकते हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि अच्छे बीज डेवलप करना, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग के द्वारा जो भी हमारी उपज है उसमें तीव्र गति से वृद्धि करना, ठीक है। अब देखिए हरित क्रांति की मुख्य बातें क्या क्या है, तो पहला, आधुनिक उपज हेतु सुधरे हुए अच्छे बीजों का प्रयोग होने लगा। गेहूं की उन्नत किस्मों जैसे सरबती, सोनारा, कल्याण, आप सभी को पता भी होगा कि बीज में भी बहुत सारे टाइप आते हैं ना, आप क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आई होप कि आपके घर भी कृषि यानी किसान, ऐसा थोड़ी ना है कि आपके घर में कृषि या खेती नहीं बारी होती, आपको इससे रिलेटेड जानकारी पता होगा। यानी गेहूं में भी बहुत सारे किस्म होते हैं, इस कैटेगरी का है ये कौन से बीज, तो उसका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि गेहूं के उन्नत किस्म जैसे सरबती, सोनारा, कल्याण, सोना, हीरा एवं धान की किस्मों में जैसे IR, ताइचुंग, 65 जया, पद्मा, पंकज, यमुना, साबरमती, ठीक है, किस्मों का विकास व उपयोग किया जाए। तो किसके थ्रू पता चला, तो जब हमारे पास ऐसे बहुत सारे आधुनिक यंत्र आए जिसके थ्रू हमें पता लग सका कि ये बीज किस टाइप का है, ये यानी हमने उनका अलग अलग करके और हमें उस बीज अच्छे किस्म के बीज हमने उपज किया, ठीक है, तब हमने उसको क्या किया, कैटेगरी वाइज में बांटा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रमुख बात है रासायनिक खादों जैसे कि सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, अमोनियम, पोटेशियम। आपको पता है ना कि अगर अगर इस टाइम अगर खेती में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है आपके उपज में, तो वो किसके थ्रू, ये बहुत सारे सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, अमोनिया, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, इसके थ्रू ही जो भी आपके खेत में जो भी आपने उपज लगाया इसके थ्रू उसमें उपज ज़्यादा होती है। और आपको पता भी है कि इसी के कारण क्योंकि जो बीमारियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा फैल रही है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा रासायनिक खाद या मिले होते हैं केमिकल, जिसके कारण आपको पता ही है। उसके बाद देखिए तीसरा क्या होता है, जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना, जैसे कि कंपोस्ट खाद, हरी खाद, नीम की खली की खाद। और देखिए प्रश्न आप सभी को ये बताना है कि कृषि का मित्र किसे कहा जाता है, ठीक है, इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। अब देखिए फोर्थ यहाँ पे प्रश्न है कि टुंड्रा प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये भी जो प्रश्न है ये BTC 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो टुंड्रा प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो टुंड्रा प्रदेश का विषम एवं कठोर पर्यावरण मानव जीवन तथा उसके आर्थिक विकास में बाधक है। इस प्रदेश में अधिकतर भाग
अभी भी निर्जन है, यानी नदी की घाटियों और तटीय भागों में कुछ जनसंख्या रहती है। उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड एवं अलास्का में एस्किमो, स्कैंडिनेवियो में लैप्स, साइबेरिया में याकूत, चुकसी एवं सेमोएड नाम की आदि वासी जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टुंड्रा प्रदेश होता है ना, उसमें जो भी प्राकृतिक वातावरण है वो किस प्रकार से है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो आपका प्रश्न है कि लोहा उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्रों का नाम लिखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपको इससे रिलेटेड जानकारी पता भी होगा। ठीक है, उड़ीसा आ जाता है, फिर आपका अब बिहार, कर्नाटक राज्य। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर पूरा दिया है कि लोहा उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र के नाम, जैसे कि लौह अयस्क। भारत में लौह अयस्क के विशाल भंडार है। इसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क प्राप्त होता है, जिनमें लौह का 60% 70% अंश होता है। और अनुमानतः भारत में लौह अयस्क का कुल भंडार 1.757 करोड़ टन है और लौह अयस्क उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा उत्पादन क्षेत्र में कि भारत में लौह अयस्क, यानी अगर देखिए मैंने भी बताया उड़ीसा, आंध्र प्रदेश भी आ जाता है, बिहार तथा कर्नाटक राज्यों में सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन मतलब इसको डेवलप किया जाता है। तो इन चारों का नाम याद कर लीजिएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो आपका 6 प्रश्न है कि सम्राट अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा कीजिए। यह भी बीटीसी 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। सो फ्रेंड्स देखिए, सम्राट अकबर एक चतुर सम्राट था। ठीक है, वो जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना न तो साम्राज्य का विस्तार कर सकता है और न ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाया जा सकता है। इसके लिए उसने कई हिंदुओं से मनसबदार बनाया। इनमें अधिकांश राजपूत राजा थे जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध एवं व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। राजपूतों के लिए उसने अपनी अलग से नीति निर्धारित की। उसने राजपूत राजाओं से दोस्ती कर सर्वश्रेष्ठ या स्वामी भक्त राजपूतों को अपनी सेवा में लिया, जिससे मुगल साम्राज्य काफी दिन तक जीवित रहा। अकबर ने भगवान दास, राजा मान सिंह, बीरबल एवं क्योंकि ये क्या इनके नौ रत्न में भी आते हैं ये जितने भी नाम है, टोडरमल जैसे राजपूत राजाओं को उच्च मनसब प्रदान किए। और अकबर ने आमेर, बीकानेर, जैसमलर की राज कन्याओं से विवाह भी किए, जिसमें प्रमुख कौन थी, तो जोधा थी। और इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम क्या था, तो हुमायूं था। हुमायूं के पिता का क्या नाम था, बाबर था। अब अकबर के पुत्र का क्या नाम था, तो सलीम। तो आई होप कि आपको पता होगा इससे रिलेटेड उतना ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कहानी के जैसे है तो आसानी के साथ आप सभी को याद भी होगा। देखिए सातवां प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 1765 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि इलाहाबाद की संधि की मुख्य धाराओं का उल्लेख कीजिए, और ये भी बीटीसी 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो बक्सर युद्ध की समाप्ति होने पर अंग्रेजों एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 अभी हमने बताया ईस्वी में हुई, इस संधि की शर्तें निम्नलिखित थी, जिसमें मुगल बादशाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी, और वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली होता है अधिकारी हो गए। ठीक है, उसके बाद दूसरी शर्त क्या थी, तो मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। थर्ड शर्त यानी कंपनी ने कड़ा एवं इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। फोर्थ, अवध का शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर, ठीक है, अवध के कड़ा एक स्थान है, ठीक है, इसमें नो कन्फ्यूज, अवध के नवाब सुजाउ दौला को वापस कर दिया गया। फिफ्थ, नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो शर्त था कि मराठों के आक्रमण की स्थिति में बंगाल के नवाब तथा कलायुग के पारस्परिक
सहयोग करना होगा। और इसी प्रकार मिर्जापुर पुनः बंगाल के नवाब बन गए और इसके बाद उसके पुत्र को भी पेंशन वैध हो गई और वे नाम मात्र के शासक रह गए। तो ये इस तरीके से इलाहाबाद की संधि हुई, जो कि 1765, सबसे मेन आपको ये याद रखना है, इलाहाबाद की संधि जो हुई थी 1765 में हुई थी, ठीक है। और अंग्रेजों व मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है, इनके मध्य ये हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो 1765 में, किसके बक्सर युद्ध जब समाप्त हुआ उसके बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों से ये इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, ठीक है। इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं 3 बजे वाले हिंदी की क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और देखिए, अगर आप इससे तैयारी कर लेते हो तो 100% आपका जो SST है बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।